हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, जो कि ओपन किया जाएगा 2023 के अंदर। और इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज के अंदर डिटेल से एनालिसिस किया गया इस टॉपिक को लेकर। सबसे पहले यहाँ पर टाइटल दिया गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा और इसकी टोटल लेंथ होगी 1380 किलोमीटर। 8 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन स्टेट से ये क्रॉस करेगा। और जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है बिटवीन दीज सिटीज़, ये अप टू 12 आवर तक जो है कम करेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी साहब, फ्राइडे को उन्होंने कंक्लूड करा 2 डे का एक रिव्यू, जो एरियल रिव्यू जो है लगातार कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट में विजिट करके इस पूरे प्रोजेक्ट को एनालिसिस किया जा रहा है। इसके अंदर जो अभी ट्रैवलिंग को एक तरीके से टाइमिंग है 24 आवर, उसको कम करके 12 से 12:30 यानी 12 से 12.5 आवर तक ये रिड्यूस करेगा। इनके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें इन मेजर सिटीज़ में जितने भी स्टेट इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सारे प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जा रहा है अलग अलग स्टेट में। और इसकी टोटल कॉस्ट होगी 98,000 करोड़ रुपीज़। और शेड्यूल है कि 2023 मार्च तक ये पूरा का पूरा हाईवे जो है, या एक तरीके से जो एक्सप्रेस वे, उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसकी कुछ विशेष बात बताई गई है कि इसमें स्पेशल क्या है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में क्या स्पेशलाइजेशन है। टोटल इसकी कॉस्ट बताई गई 98,000 करोड़ रुपए। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ इंक्रीज हो। इसके अलावा इसकी लेंथ जो है 1380 किलोमीटर होगी टोटल। इसके अलावा इसमें फेज मैनर में कंप्लीट किया जाएगा, जैसे फर्स्ट फेज के अंदर दिल्ली जयपुर, जिसको दौसा के अंदर, और इसके अलावा सेकंड में फिर लालसोत, और इसके अलावा वडोदरा, अंकलेश्वर, और एंड तक यानी मार्च 2023 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। 2018 में इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था, फाउंडेशन रखा गया था मार्च 2019 में, यानी एक तरीके से 2018 में डिसीजन लिया गया, मार्च 9, 2019 को स्टार्ट किया गया और फाइनली 2023 के अंदर ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। 2 इम्पॉर्टेंट इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स में हो गए, जेवर एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टू मुंबई, ये कहीं ना कहीं मुंबई और दिल्ली एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेगा। इसके अंदर जो मेजर सिटीज़ कनेक्ट होंगी उसमें जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत, इसके अंदर मेजर सिटीज़ काउंट होगी। टोटल लेंथ का अगर आप देखेंगे 1380 किलोमीटर की लेंथ है, जिसमें से 1200 किलोमीटर वर्क जो है अंडर प्रोग्रेस है। इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि इसकी स्पीड कितनी तेज़ी से बनाया जा रहा है। और ओवरऑल 15,000 हेक्टेयर्स इसके अंदर लैंड जो है वो एक्वायर करी गई है अक्रॉस द स्टेट्स दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन को लेकर, राइट। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ फोटोग्राफ आप देखेंगे, यूनियन हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब एरियल रिव्यू कर रहे हैं, पर्सनल विजिट कर रहे हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, जैसे कुछ ब्रिजेज जो कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं उनको लेकर लगातार रिव्यू किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके बाद इसके की फीचर्स के बारे में बताया गया। सबसे पहले बताया गया कि 8 लेन का ये एक्सप्रेस वे होने वाला है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो 12 लेन का एक्सप्रेस वे जो है वो बनाया जा सकता है। डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम कितना ट्रैफिक पर। एक्सप्रेस वे के साइड में एमिनिटीज़ बनाई जाएगी कुछ, जैसे रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट्स, फ्यूल स्टेशन, फैसिलिटीज़ फॉर टर्कर्स, लॉजिस्टिक्स पार्क, ये सारी चीज़ें जो है वो होने वाली हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस जो है वो बनाई जाएगी सर्विस के लेकर एक्सीडेंट में अगर इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है। और इसको लेकर ड्रोन्स का भी यूज़ किया जाएगा डे टू डे बिजनेस को एक तरीके से सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए। इनके अलावा 2 मिलियन जो है ट्री और सब यानी पेड़ पौधे और झाड़ियाँ लगाई जाएंगी, प्लांट करी जाएगी हाईवेज़ के आसपास। इसमें विशेष बात क्या, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई है। ये एशिया के अंदर पहला ऐसा एक्सप्रेस वे होगा और दुनिया के अंदर सेकेंड इस तरह का हाईवे होगा जो फैसिलिटेट करेगा अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। सबसे बड़ा जो खराब असर पड़ता है किसी भी हाईवे को कंस्ट्रक्शन करने में या रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर, कि जो वाइल्ड लाइफ है उनका रास्ता जो है वो डिस्टर्ब होता है, वो चीज़ें नहीं होगी, एनिमल ओवर पास होगा। कई बार आपने देखा होगा कि हाईवेज को इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि उसमें जो वाइल्ड लाइफ उसकी मूवमेंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 2 टनल बनाई जाएगी, एक मुकुंदरा सेंचुरी के से क्रॉस करेगी और दूसरी जो है मैथरन इको सेंसिटिव जोन से ये क्रॉस करेगी। 4-4 किलोमीटर की ये टनल होने वाली है।
इनके अलावा इस एक्सप्रेसवे से बड़ी संख्या में फ्यूल सेव किया जा सकता है और 320 मिलियन लीटर जो है फ्यूल सेव होगा और इसके थ्रू जो कार्बन एमिशन है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा लगभग 850 मिलियन किलोग्राम तक और ये लगभग 40 मिलियन ट्री के प्लांटिंग के बिल्कुल इक्विवेलेंट होने वाली है। इसमें कुछ चीज़ें बताएगी, फैक्चुअल डिटेल बताएगी कि इसमें 12 लाख टन जो है वो स्टील यूज़ किया जाएगा जिसमें जिसके थ्रू 50 हावड़ा ब्रिज बनाए जा सकते हैं इक्विवेलेंट है। इसके अलावा 80 लाख टन सीमेंट कंज्यूम की जाएगी, लगभग 2% इंडिया की एनुअल सीमेंट प्रोडक्शन के इक्विवेलेंट होने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर बड़ी संख्या में सिविल इंजीनियर और 50 लाख मैन डेज जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। 50 लाख लोगों को काम नहीं दिया जाएगा, 50 लाख दिन जो है वो काम के जनरेट करे जाएंगे, जैसे मनरेगा के अंदर 100 डेज का एक टारगेट होता है उसी तरीके से यहाँ पर 50 लाख डेज तक काम किया जा सकता है। इसको डिवाइड करेंगे लोगों से तो ये कम लोगों को काम मिलेगा लेकिन डेफिनेटली रोजगार की जो अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट होगी। इसके बाद अलग अलग स्टेट की डिटेल बताएगी कि हरियाणा में कितनी कॉस्ट होगी, वो सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ सकते हैं हरियाणा राजस्थान, इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश, ये जो इन्फॉर्मेशन है स्टेट की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है ये आप अगर आप पर्टिकुलर कोई स्टेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं जैसे हरियाणा का दे रहे हैं, एमपी का दे रहे हैं, राजस्थान का दे रहे हैं, यूपी का दे रहे हैं, महाराष्ट्र का दे रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये ब्रीफ में मेजर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, ब्रीफ में टू द पॉइंट ये वीडियोज़ होंगे और आने वाले समय में लगातार इस तरह के वीडियोज़ जो है वो कंटिन्यू होंगे और इंश्योर किया जाएगा कि रेगुलर बेसिस पर इस तरह के एक्सप्लेन सेक्शन को हम लोग डिस्कस करें डेली बेसिस पर 5-7 मिनट इवनिंग में। थैंक यू ऑल, जय हिंद।